चलिए, यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सुपौल में एक दंपति पेंशन की आस में 7 महीने से ब्लॉक के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक उसे पेंशन राशि नहीं मिली है। राजेश पासवान और उनकी पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं। ये तस्वीर सुपौल जिले के पिपरा महेशपुर से सामने आई है। वार्ड नंबर 12 में जमीन के छोटे से टुकड़े पर आशियाना बनाकर किसी तरह से दोनों का जीवन गुजर रहा है। दोनों के 3 बच्चे हुए, लेकिन कुपोषण ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अपने संतान दंपत्ति विकलांगता को लेकर मिलने वाली सरकारी सहायता के लिए भटक रहे हैं, लेकिन ब्लॉक के किसी बाबू को इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। ब्लॉक के चक्कर काटते हुए महीनों बीत चुके हैं। डीएम से लेकर सीएम तक अपनी फरियाद सुना चुके हैं, लेकिन सिस्टम से हार जाना अब इनकी मजबूरी हो गई है। पत्नी को 1500 रुपए कई बरस बाद मिले थे। राजेश को भी पहले पैसे मिलते थे, लेकिन अब वो गुजरे जमाने की बात हो गई है। चलने से लाचार राजेश ने हाथ रिक्शा के लिए भी गुहार लगाई, लेकिन यहाँ मजलूमों की आवाज सुनाई किसे देती है। पेंशन नहीं मिल रहा है, खाता खुलाया हुआ है, 7 महीना हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन से आप आ रहे हैं ब्लॉक? ब्लॉक तो 6 महीना से आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आवेदन दिए इससे पहले? हाँ। क्या कहता? ये वीडियो से आप उधर से इधर भेज देता है, रोज को भाड़ा लग जाता है, रोज चले जाते हैं शाम को। मुसीबत है कि पीछा नहीं छोड़ती, और सरकारी सिस्टम है कि 7 महीने से दफ्तरों के चक्कर लगवा रहा है। अब ऐसे में कोई लाचार करे भी तो क्या करे। जमीन नहीं छे, भीख मांग का खाए छे। कितने दिन से पैसा नहीं मिला आप लोगों को? हमरा तो मिले छे, ओकरा नहीं मिले 1 साल से। आपको कितना रुपया मिला था? हमरा मिले 1500। कितना दिन पहले? ये 8-9 दिन है छे, सब का मिले तो हमरो मिले 1500। तो 1500 रुपया में गुजर बसर हो जाता है आपका? नहीं है छे, कता सहता है। इस मामले में जब न्यूज 18 ने पहल की तो पिपरा के बीडीओ ने जल्द ही पेंशन देने का भरोसा दिलाया है। उसका हो चुका है, उसके बाद क्यों नहीं खाते जारी, उसका हम चेक किए, आधार कार्ड में और पासबुक दोनों में नाम सेव है उसका। फिर जो है कि हम किस द्वारा हम लोग इसको भेज रहे हैं कि किस कारण से इसके खाते में पैसा नहीं जा रही है, हम लोग के स्तर से इसका लंबित नहीं है। संभव तक काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, निश्चित रूप से। दलितों को लेकर राजनीति की बिसात तो खूब सजती है, लेकिन हकीकत की जमीन उतनी सख्त होती है, और सख्त जमीन पर चलना इन दोनों के लिए इतना आसान नहीं है। न्यूज 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। बजट सत्र न चलने के विरोध में आज बीजेपी का देशव्यापी उपवास है। पीएम मोदी समेत सभी बड़े नेता उपवास पर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव ने कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। साथ ही उपवास के पहले कांग्रेसी नेताओं ने के छोले भटूरे खाने को लेकर भी तंज कसा। आपको बताएं कि गिरिराज सिंह ने नवादा में तो रामकृपाल यादव पाली में उपवास कर रहे हैं। श्री गिरिराज सिंह जी और रामकृपाल यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले गिरिराज सिंह से शुरू करते हैं। गिरिराज जी, इस देश में उपवास के जवाब में उपवास, भारत बंद के जवाब में भारत बंद, क्या उसी की अगली कड़ी है? नहीं नहीं, देखिए जवाब में नहीं होता और उपवास कोई नौटंकी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस ने उपवास को मजाक कर दिया, छोले भटूरे खा के राहुल गांधी उपवास कर रहे थे, इससे रिफ्लेक्शन खराब जाता है, राजनीति की छवि गिरती है। उनकी छवि तो क्या गिरी नहीं गिरी कांग्रेस पार्टी की, और हम उनके जवाब में नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या की, कोई ऐसा आज तक इतिहास नहीं रहा कि 3% 4% सदन में काम हो और करोड़ों रुपया खर्च हो। जो उपहास हुआ उपवास का वो राजनीति थी, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो राजनीति नहीं है। अच्छा ये बताइए हमें, मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष में खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से कि भारतीय लोकतंत्र में
बेवजह सदन को बाधित करना, कामकाज ठप करना, जनता के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने थे सरकार के माध्यम से, कानून के माध्यम से, उसको अवरोध करना, ये कहाँ की नैतिकता है, कौन सा लोग। और इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट news18bihar.com और झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com।